हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन। हम एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके दे रहे हैं। 5.5 के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। एक शानदार क्वेश्चन है कि एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। फाइंड आपको dy/dx ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना। इसको लिखते हैं u प्लस वी और इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट को 1 ही रहने देते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो 0 ही लिखना है। तो लिखाइए, तो डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो du अपॉन dx प्लस dv/dx और इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। u लिया है आपने, लेट वो क्या x की पावर y। चलिए लॉग लेते हैं, तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे नहीं, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। अब log u इज इक्वल टू, ये y आगे आ जाएगा, y log x, अब करेंगे डेरिवेटिव। तो log u का 1 अपॉन u और u का डेरिवेटिव du/dx। क्यों? क्योंकि log u का तो फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला तो log x का है। तो log x का 1/x, लेकिन x को लिखा नहीं है, क्या लिखा? u लिखा है, तो u का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो हो गया du/dx। इसी को बोलते हैं चेन रूल। इज इक्वल टू, अब दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक चीज का ध्यान रखना, ये y यहाँ कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा। देखो y और x दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेगा। तो पहले को छोड़ा और दूसरे का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव। अब y का डेरिवेटिव क्या है? y का डेरिवेटिव है dy/dx। अब यहां से हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है? du/dx की निकालनी है। तो ठीक है, इसी को इधर ले जाइए। तो du/dx इज इक्वल टू u y अपॉन x प्लस log x dy/dx। तो du/dx इज इक्वल टू x की पावर y, y अपॉन x प्लस log x और dv/dx। तो अभी आपने du/dx निकाला, ठीक है, अब निकालेंगे dv/dx। चलिए v क्या लेट लिया हुआ हमने, ये लिया हुआ है y की पावर x, क्योंकि पावर में न्यूमरल नहीं है तो पक्की बात log लेना पड़ेगा। तो ठीक है, तो log v इज इक्वल टू log y की पावर x। अगला स्टेप, log v इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, x इंटू log y। अब log v का डेरिवेटिव 1/v, लेकिन x तो लिखा नहीं है तो v लिखा है, तो v का डेरिवेटिव क्या होगा? dv/dx इज इक्वल टू लगाइए, तो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, तो log y का 1/y, लेकिन log y का तो फॉर्मूला होता ही नहीं, log x का होता है, x तो है नहीं यहां, तो y है, तो y का क्या लिखेंगे डेरिवेटिव? dy/dx प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1। लेकिन यहां ध्यान रखना, हम यहां dy/dx नहीं, हम यहां dv/dx निकाल रहे हैं, ठीक है। तो dv/dx इज इक्वल टू चला गया उधर, ये हो गया x अपॉन y dy/dx प्लस log y। अब v क्या लेट लिया हुआ है? y की पावर x, पुट कर दीजिए। तो dv/dx इज इक्वल टू y की पावर x, x अपॉन y dy/dx प्लस log y। अब इस पूरी वैल्यू को du/dx और dv/dx डालिए इसके अंदर। देखिए du/dx हम निकाल रखा है, तो x की पावर y ब्रैकेट y अपॉन x प्लस log x dy/dx, ध्यान से देखिएगा, प्लस dv/dx, ये रही वैल्यू, y की पावर x, x अपॉन y dy/dx प्लस log y और इज इक्वल टू में 0। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन तो पूरा आ गया, लेकिन फाइनल आंसर क्या चाहिए? फाइनल आंसर dy/dx चाहिए। तो देखो ये रहे दोनों dy/dx, तो सारा इनटू होगा, dy/dx कॉमन लिया जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। x की पावर y, y अपॉन x प्लस log x dy/dx, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्टेप डायरेक्ट नहीं चल रहे। तो x अपॉन y dy/dx प्लस log y, ध्यान रखना आंसर तो dy/dx चाहिए, ठीक है। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x की पावर y, y अपॉन x प्लस x की पावर y log x और dy/dx, अंदर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस y की पावर x, x अपॉन y और dy/dx, ऐसे यहाँ पर भी माइनस y की पावर x और log y। अब dy/dx एक तरफ कीजिए, ये इस तरफ ले आइए और ये ले जाइए इस तरफ, x की पावर y log x dy/dx, ये वाला LHS वाला तो LHS में ही है, RHS वाला इधर लाएंगे, प्लस y की पावर x, x अपॉन y dy/dx इज इक्वल टू माइनस y की पावर x
लॉग वाई और ये टर्म आ जाएगा उधर माइनस का एक्स की पावर वाई और वाई अपॉन एक्स। अब इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि तो फाइनल आंसर तो हमें डी बाई डी एक्स ही चाहिए क्योंकि तो वही फाइंड करना लिखा हुआ है। ये हो गया एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स और एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, इस टर्म में कोई चेंज नहीं, माइनस कॉमन ले रखो पहले से, तो ये आ जाएगा वाई की पावर एक्स और लॉग वाई प्लस एक्स की पावर वाई और वाई अपॉन एक्स। बस डिवाइड एक्स निकाला ना तो ये आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स की पावर वाई और वाई अपॉन एक्स होल अपॉन लाइए डिनोमिनेटर में एक्स की पावर वाई और लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स और एक्स अपॉन। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से मैच करे तो एलसीएम अभी लेना पड़ेगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकते हैं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, पावर में न्यूमरल नहीं है, लॉग तो लगेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो डायरेक्टली लॉग लगाया जा सकता है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बिल्कुल इस तरह से। अब लॉग एम की पावर है, यहां भी लॉग एम की पावर है तो पावर आगे आ जाएगी, तो एक्स इंटू लॉग वाई ऐसे यहां पर वाई इंटू लॉग एक्स, लेकिन ध्यान रखना फाइनल आंसर में तो निकालना डी वाई बाई डी एक्स ही है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव वो कैसे देखो, लॉग वाई का वन अपॉन वाई, लेकिन फॉर्मूला लॉग वाई का नहीं लॉग एक्स का होता है तो एक्स का डेरिवेटिव होना चाहिए था, एक्स लिखा नहीं है वाई लिखा है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन, ऐसे यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, अब देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, लॉग की जगह लॉग लिखा है एक्स की जगह कुछ आगे करने की जरूरत नहीं, प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डेरिवेटिव, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है वो होता है डी बाई डी एक्स, फाइनल आंसर तो डी बाई डी एक्स है, तो इस डी बाई डी एक्स को इसके पास ले आइए कॉमन ले लेंगे, तो एक्स अपॉन वाई डी बाई डी एक्स लाइए इस तरफ, तो लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, अब डी बाई डी एक्स वाले टर्म एक तरफ आ गए और सबको एक तरफ ले जाइए, वाई अपॉन एक्स ये तो लिखा ही है, इस लॉग वाई को उधर ले जाइए माइनस साइन ले आकर, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया एक्स अपॉन वाई माइनस का लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस का लॉग वाई, थोड़ा एलसीएम ले लीजिए ठीक से लिख दिया जाएगा, ठीक है, अब एलसीएम आया वाई तो क्या एक्स माइनस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए वाई माइनस एक्स लॉग वाई, अब डिवाइड एक्स निकालना है तो ये वाई जो डिनोमिनेटर में है वहां जाके न्यूमिनेटर में चला जाएगा और जो न्यूमिनेटर का टर्म है वहां जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, देखिए कितना आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये है वाई माइनस एक्स लॉग वाई और ये वाई गया उधर अपॉन डिनोमिनेटर जो लिखा वो लिखा रहने दो इनटू इसको ले जाओ नीचे एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, अब कुछ करना नहीं है इस वाई बाई एक्स को थोड़ा आगे लिख लेते हैं पहले, ठीक है प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं करना, आंसर तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है अपॉन एक्स माइनस वाई और लॉग एक्स, तो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डी बाई डी एक्स ही करना है और पावर में न्यूमरल तो है नहीं, लेना तो लॉग ही पड़ेगा, एक सबसे अच्छा चीज है इक्वल लग रहा है प्लस माइनस नहीं है तो मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पहले स्टेप पे ले लेते हैं तो लॉग कॉस एक्स की पावर वाई ऐसे इधर लॉग कॉस वाई की पावर एक्स, पावर आगे आ जाएगी तो हो गया वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स ऐसे हो गया एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस वाई, अब दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा तो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव, अब लॉग एक्स का वन बाई एक्स लेकिन एक्स को लिखा नहीं है ये तो कॉस एक्स लिखा है तो कॉस एक्स का फिर से करना पड़ेगा, क्या होता है साइन एक्स वो भी कौन सा माइनस का प्लस, अब दूसरे को छोड़ा लॉग कॉस एक्स क्योंकि लॉग के साथ जो भी एंगल होता है वो हमेशा मॉड में लिखा जाता है इसे मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है और इनटू वाई का डेरिवेटिव तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, चलिए एलएचएस का बार पूरा हो गया, फिर देख लो पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, फिर दो टर्म्स मल्टीप्लाई पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स लेकिन एक्स का लिखा है तो कॉस वाई लिखा हुआ है कॉस वाई का माइनस साइन वाई, लेकिन यहां भी दिक्कत है कॉस वाई का तो डेरिवेटिव ही नहीं होता होता तो कॉस एक्स का है, फिर एक्स नहीं लिखा है तो वाई लिखा है तो वाई का डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा, इस समय हम क्या कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं चेन रूल, ध्यान रखना ये चेन रूल प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल
बैकबोन है डिफरेंशिएशन चैप्टर के। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो ये सब देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले आप शुरुआती लेक्चर्स देखिए जिसमें हमने आपको प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वेश्चन रूल लगाना सिखाया है, ठीक है। नाउ प्लस दूसरे को छोड़ा लॉग कॉस वाई इंटू पहले का डेरिवेटिव और पर एक्स का डेरिवेटिव वन। अब सारा सही से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो ये हो गया वाई और ये हो गया माइनस का टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया एक्स इंटू माइनस का टेन वाई। वो कैसे देखो साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर भी देखो साइन अपॉन कॉस ही था, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस लॉग मॉड के अंदर कॉस वाई, वो वन लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं डाला। अब डी वाई डी एक्स एक तरफ ले आइए ना तो लॉग ऑफ कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसको लाइए इस तरफ तो प्लस का एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स ये इधर लिखा रहने दीजिए लॉग ऑफ कॉस वाई और इसको उधर ले जाइए तो ये हो गया प्लस का वाई टेन एक्स क्योंकि यहाँ पर माइनस का था तो जाके प्लस एक्स कॉमन लो इसके अंदर से इतना आ गया लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू यहाँ तो कोई चेंज है नहीं लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। अब कुछ करना नहीं है बस डिवाइड एक्स को निकालनी है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया उसको तो लिखे रहने दीजिए ऐसे ही तो लॉग ऑफ कॉस वाई मॉड के अंदर प्लस वाई टेन एक्स होल अपॉन लिखे जाइए डिनोमिनेटर में नीचे तो लॉग ऑफ कॉस एक्स मॉड के अंदर प्लस एक्स टेन वाई तो ये लीजिए आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ तो दो टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन है, वैसे पावर में न्यूमरल तो नहीं है लेकिन देखो ये ई की पावर में है। अब ई की पावर में तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है हमारे पास तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप इसे विदाउट लॉग भी कर सकते हो और विद लॉग भी कर सकते हो तो मैं दोनों तरीके करना सिखाता हूँ। देखो पेपर में आपको कोई एक तरीका चूज करना है जो आपको सबसे बेस्ट हो लेकिन मैं दोनों आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये बात रियलाइज हो जाए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लॉग से भी हो सकते हैं और विदाउट लॉग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं विदाउट लॉग कर रहा हूँ और फिर लॉग लॉग भी करूंगा। तो पहले प्रोडक्ट लगाते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का वन इज इक्वल टू ई की पावर इसका डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x ही होता है तो वो फिर से करना पड़ेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस का वाई क्योंकि e की पावर x में e की जगह e और x की जगह x होना चाहिए था तो e की जगह e तो ठीक लिखा है x नहीं लिखा है इसलिए फिर से कर दिया उसे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप x dy / dx + y = e की पावर x माइनस y चलिए करते हैं x का डेरिवेटिव 1 माइनस और y का डेरिवेटिव dy / dx बस आंसर में तो dy / dx ही चाहिए तो सारा मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x dy by dx plus y is equal to e की पावर x minus y minus e की पावर x minus y और dy by dx लाइए इसको इस तरफ तो x dy by dx plus e की पावर x minus y dy by dx is equal to e की पावर x minus y minus का y कॉमन लीजिए dy by dx कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास x plus e की पावर x minus y is equal to e की पावर x minus y minus y क्योंकि आंसर में डिवाइड x चाहिए तो बस इसको डिनोमिनेटर में ही लाना। अब लास्ट स्टेप रह गया सिर्फ तो dy by dx is equal to जो यहाँ लिखा है उसे लिखा रहने दो e की पावर x minus y minus y अपॉन इसको नीचे ले आइए ये हो गया x plus e की पावर x minus y क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको लॉग लगा के करना सिखाता हूँ। चलिए अब लॉग लगाते हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स तो पहले मैं लॉग से पुट कर रहा हूँ उसके अंदर अगले स्टेप पे इसमें अप्लाई करूंगा तो log m into n तो log m into n क्या होता है log m plus log n देखो प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए आप 5.5 पर आ गए हो और शुरू से हम log की प्रॉपर्टी लगाते आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू अब log m की पावर n तो ये आगे आ जाएगा और ये होगा log e। नाउ व्हाट इज log e, log e क्या होता है log e 1 होता है तो अगले स्टेप पे log e लिखना बंद कर देंगे। चलिए डेरिवेटिव करते हैं log x का डेरिवेटिव 1 by x बात खत्म log x का कर रहे हैं log x ही लिखा हुआ है कुछ करना ही नहीं आगे log y का 1 upon y और y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to x का डेरिवेटिव 1 minus y का डेरिवेटिव dy by dx ध्यान रखना log ही तो पहले 1 हो चुका है। अब dy dx को इधर ले जाइए अब ये वाले dy dx को इधर ले आइए 1 upon y dy by dx plus dy by dx is equal to 1 minus 1 by x ये उधर चला गया कॉमन लीजिए तो dy by dx is equal to 1 upon y plus 1 is equal to, LCM ले लो, x minus 1 upon x।
यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, एलसीएम आ गया वाई, तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। चलिए अगला स्टेप, बस डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना रह गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब ये गया न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, इन टू वाई अपॉन वन प्लस का वाई। अब अगला स्टेप लिख देते हैं सही से, वाई अपॉन एक्स बाहर कर दिया, एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई। अब एक चीज का ध्यान रखो, ये आंसर पहले वाले तरीके से मैच तो हो नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको ये बात पहले भी कई बार बताया हुआ है, कितनी बार ऐसा होता है कि आपको कुछ स्टेप्स और चलने पड़ेंगे पिछले वाले तरीके में और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा, लेकिन पेपर में कभी भी आपको ये कहा नहीं जाएगा कि आप पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचो। आपने जहां पर अपना आंसर छोड़ा था पिछले वाले तरीके से, वो तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से करो या उससे, ये परफेक्ट तरीके हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स दिया हुआ आपको, इवेल्युएट करना है क्या, एफ डैश ऑफ वन। नाउ व्हाट इज एफ डैश ऑफ वन, एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव सॉल्व करना है, जिसमें आपको एक्स की जगह वन पुट करना है, लेकिन कब, जब फाइनल आंसर आपका आ जाए। एक चीज का ध्यान रखना, वाई को डेरिवेटिव करने के बाद आप क्या बोलते हो, डी वाई बाई डी एक्स। अगर क्वेश्चन वाई की जगह एफ एक्स की फॉर्म में लिखाओ तो इसके डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो डरना मत, वाई का डेरिवेटिव जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है, ऐसे ही एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, ये दोनों एक ही चीज होती है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो कि वो एफ एक्स की फॉर्म में आए या वाई की फॉर्म में, इससे घबराने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ठीक है। तो समझ लो कि एफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकता हूं मैं, ठीक, बस लास्ट में जब डेरिवेटिव कर लूंगा तो हर एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, वन डाल दूंगा और इवेल्युएट हो जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो चलिए, अब चार टर्म मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में चार टर्म को बिना लॉग के भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग लगाना हमेशा आसान रहता है, ठीक है। तो चलिए लॉग लगाते हैं, तो ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, अब डायरेक्ट लॉग लग सकता है, क्यों, देखो सारे टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ये सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर। अगर यहाँ प्लस माइनस होता इनके बीच में, मतलब ब्रैकेट के बीच में अगर प्लस माइनस होता, चार ब्रैकेट है ना, इन चारों ब्रैकेट के बीच में की बात चल रही है, तो हम डायरेक्ट लॉग ले पाते, सबको यू वी डब्ल्यू अलग अलग लेट करके डेरिवेट करना पड़ता, ठीक, क्योंकि बीच में सारे ब्रैकेट्स के बीच में इनटू है, बस फिर तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया ये, ठीक है। अब पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाद में करेंगे डेरिवेटिव इसका। नाउ लॉग एम इंटू एन इंटू टू इंटू वी, तो अगर सारे टर्म लॉग के एंगल के अंदर मल्टीप्लीकेशन में हो तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, लॉग एम इंटू एन इंटू डब्ल्यू इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग डब्ल्यू प्लस लॉग टी, तो बस वही करने वाला हूं मैं, तो लॉग वन प्लस एक्स बॉट के अंदर रखिएगा, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर फोर और प्लस लॉग वन प्लस एक्स की पावर एट। अभी डेरिवेटिव नहीं किया है, अब करेंगे, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, लेकिन एक्स तो लिखा नहीं है तो एफ एक्स लिखा है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा एफ डैश एक्स। ध्यान रखिएगा, अगर यहां मैं वाई लिख देता तो लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाय वाई होता, तो वाई तो होता नहीं है, एक्स का ही तो होता है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या लिखता, डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स। शुरू में बताया था वाई का डेरिवेटिव जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, घबराने का जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का चीज है। तो लॉग एक्स का वन बाई एक्स, एक्स तो लिखा नहीं, फिर से करते हैं, वन का जीरो और एक्स का वन, प्लस फिर लॉग एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन का जीरो और प्लस एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एंटी कौन सी लगी, एक्स की पावर एन की, क्या होती है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सेम यहां पर, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, लेकिन एक्स तो लिखा नहीं, फिर से करते हैं, तो वन का जीरो प्लस और एक्स की पावर फोर का कितना होगा, फोर एक्स क्यूब, फिर एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लगाया, प्लस लॉग एक्स का वही वन बाई एक्स, एक्स तो लिखा नहीं है, फिर से करते हैं, तो वन का जीरो और प्लस एक्स की पावर एट का एट एक्स की पावर सेवन। नाउ इस एफ एक्स को उधर ले आएंगे, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लाइए एफ एक्स उधर, एफ एक्स ब्रैकेट, अब ये कितना बचा, वन अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस ये आया टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर, प्लस एट एक्स की पावर सेवन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी फिर से पुट कीजिए यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स की पावर फोर, वन प्लस एक्स की पावर एट, इंटू पूरा टर्म ये वाला, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर और एट एक्स सेवन
अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अभी पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, अब पार्ट क्या रह गया कि जो डेरिवेटिव आपने किया है उसके x की जगह 1 डाल दीजिए, एक वैल्यू आ जाएगा। चलिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा f डैश 1। अब जहां जहां x दिख रहा है हर जगह 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर यहां पर 1 प्लस 1 की पावर 4 1 ही आएगा, फिर 1 प्लस 1 की पावर 8 1 ही आएगा। ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 1 2 तो 4 और 1 प्लस 1 प्लस 8 और 1 प्लस 1। अगला स्टेप देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2 4 अपॉन 2 और 8 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप देखें 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, यहाँ आ गया 1 बाय 2 प्लस ये आ गया 1, फिर ये आ गया आपके पास 2 और ये आपके पास आ गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 इंटू कितना आएगा देखें, 2 4 2 6 और 1 7 तो 1 प्लस 2 और प्लस 7। अगला स्टेप बस हमें एलसीएम लेना है, 2 आ गया एलसीएम तो 1 प्लस 14 ये कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स तो 8 इंटू 15 तो 15 8 का कितना होता है 120। एवेल्युएट किया इस डेरिवेटिव का, एवेल्युएशन आया आपका 120। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये आप खुद करेंगे, क्वेश्चन में कुछ खास दिया नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने आपको एक टर्म दिया हुआ है इसको एक बार प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो, एक बार सारे टर्म मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअली इसके अंदर डेरिवेटिव करो और एक बार इसके अंदर आप लॉग लगा दो। बस ये तरीका तो ऐसा है कि सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, आपकी एक्सरसाइज तो पूरी खत्म हो चुकी है, जो अगला क्वेश्चन भी है वो भी करने लायक नहीं है, इसी लेवल का ही क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारे क्वेश्चन परफेक्टली एक एक करके सॉल्व किया है, ढंग से इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नई एक्सरसाइज, तो लेक्चर यही फिनिश करते हैं।